हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों आपको पता ही होगा मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता ही रहता हूँ एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में वीडियो बना के जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है NHPC लिमिटेड जॉब रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई फॉर ऑनलाइन 388 जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर एंड अदर पोस्ट। दोस्तों आपको पता होगा कि NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर करीबन 388 वैकेंसीज निकली है फॉर द जूनियर इंजीनियर एंड सुपरवाइजर के लिए तो इसकी जो डिटेल है वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर तो ये जो है इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है, कौन से पोस्ट के लिए है ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल, एप्लीकेशन फी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट, एंड डेट, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर हमारे जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर और अदर पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। इसकी जो एप्लीकेशन जो ओपन हो रहा है वो 9 जून से ओपन हो चुका है, वो 30 जून तक दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब इसके अंदर जो जूनियर इंजीनियर सिविल जो है उसकी 149 वैकेंसी है, इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 74 वैकेंसीज है जिसके अंदर आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 63 वैकेंसी है, इसके अंदर डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर EC उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर चाहिए जिसकी 10 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर IT जो है इसकी 9 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा इन BCA, BSc, कंप्यूटर साइंस, IT ये सारे चाहिए। सर्वेयर जो है उसकी 19 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सर्वे इन इंजीनियरिंग, सीनियर अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेशन, ड्राफ्टमैन सिविल की भी वैकेंसी है, इसमें 14 वैकेंसी है, 10 ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी है तो इस सारे दोस्तों इस तरह से सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। एज लिमिट दोस्तों मिनिमम शुड बी 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल से कम होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। पे स्केल देखिए बहुत ही अच्छा है, 25,000 से लेके 1,90,500 पर मंथ का यहाँ पे आपको पे स्केल मिलने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल EWS OBS के लिए OBC के लिए यहाँ पे 295 रुपीज़ है और SC ST PWD BD ESM वो है उनके लिए कोई फी रखी नहीं गई है तो इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाके अप्लाई करना है। ये स्टार्ट हुआ है 9 जून से, लास्ट डेट इसकी 30 जून है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है तो इसके अंदर तो दोस्तों ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल S1 29,000 से लेके 1,19,000 रुपीज तक का पेमेंट यहाँ पे मिलेगा इसमें 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, हायर टेक्निकल एजुकेशन BTEC विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी बैकलॉग वैकेंसीज, अगर आपकी बैकलॉग है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या है वो सारी डिटेल है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, जैसे कंपनसेशन पैकेज भी है, प्लेसमेंट दोस्तों कैंडिडेट विल बी प्लेसड एट प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिस इंक्लूड जॉइंट वेंचर सब्सिडियरी कंपनी कहीं भी आपको प्लेस किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी जैसे मैंने बताया कि 295 रुपीज़ है, अप्लाई करने के उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है तो ये सारी डिटेल देखिए। 9 जून को 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को 11:55 मतलब रात के 12 बजे से पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है तो देखिए ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NHPC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर, रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको क्या करना होगा अपने आप को रजिस्टर करना होगा तो इस तरह से ये पोर्टल ओपन होगा।
यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, सिलेक्ट पोस्ट, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कैंडिडेट नाम आपका, आपको अपना नाम डाल देना है, राइट, राहुल उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है कंफर्म करना है, राइट, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी आपको आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल देना है, उसके बाद एक्सेप्ट करके सिलेक्ट करके अपने आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर होने के बाद आपको क्या है, आपने रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके फिर अप्लाई करना है, राइट। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई करने के लिए। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।